नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रेन की फर्स्ट क्लास एसी कोच के बारे में। इस कोच में आपको क्या कुछ मिलता है, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कूप और केबिन क्या होते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस होता है और फर्स्ट क्लास केबिन में क्या क्या सुविधाएं मिलती है। साथ ही साथ आपको बताऊंगा कि फर्स्ट क्लास कोच के वॉशरूम कैसे होते हैं, इनके टिकट्स कितने के मिलते हैं, क्यों इनको फ्लाइट की टिकट के बराबर कंपेयर किया जाता है और इस ट्रेन में आपको क्या कुछ सुविधाएं मिलने वाली है, खाने पीने से रिलेटेड क्या सुविधाएं मिलने वाली हैं, इस ट्रेन का टाइमिंग क्या है, इन सारी चीज़ों पे आज हम बात करने वाले हैं। और जिस ट्रेन के बारे में बात करेंगे वो है शिवगंगा एक्सप्रेस, जो नई दिल्ली से मरवाड़ी तक चलती है, जिसका न्यू दिल्ली में छूटने का टाइम 8:55 शाम को है और मरवाड़ी रेलवे स्टेशन पर अगले दिन सुबह 6:55 पर उतार देती है। अच्छा, इस ट्रेन की टिकट और बाकी की चीज़ें अगर आप खाने पीने की बात करें, क्या फर्स्ट एसी में खाना फ्री मिलता है या नहीं, क्योंकि राजधानी और वंदे भारत से अगर आप जाते हैं तो आपको खाना स्नैक्स ये सारी चीज़ें फ्री मिलती है, आपके टिकट में इंक्लूड होता है। तो आप सबका सवाल होगा कि फर्स्ट एसी में भी क्या खाने की चीज़ें मिलती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट या उसके लिए अलग चार्ज देना पड़ता है, तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर होने वाली हैं। वीडियो पर बने रहें और वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए। गेट खुल गया अभी, तो अब हम चलते हैं अंदर की तरफ, अपना अपना सामान रखते हैं और आपको दिखाते हैं फर्स्ट एसी का कोच। ये है वॉशरूम वगैरह, मैटिंग वगैरह यहाँ पर लगी है और साफ सफाई आप देख सकते हैं ठीक ठाक है, बढ़िया है, एक नंबर। A1, A2, A1, A2H। चलो आगे चलो। ये सारे केबिन बने हुए हैं, ऐसे केबिन है, ये आप देखते हैं, ये कूप है, यहाँ पे सारी चीज़ें रखी हुई है, ये कूप है बेसिकली, ये सारे केबिन है और कुछ कूप है, कूप जिसमें 2 सीट और केबिन होते हैं जिसमें 4 सीटें होती है। तो एक A1 है ना, 4 वाला हमारा, हमें केबिन मिला है A1 और A2 का। ये हमारा केबिन, 2 सीट इधर है, 2 सीट इधर है और 2 सीट इधर है, 2 सीट ही इधर है, बस ये है कि बाकी की ट्रेनों से थोड़ा चौड़ी सीट है ना। तो चलो पहले इसके ये रीडिंग लैंप वगैरह लगे हुए हैं, ये सॉकेट वगैरह लगे हुए हैं, लाइट जलाते हैं पहले यहाँ से, लाइट जल गई है। और यहाँ पर डस्टबिन वगैरह दी गई है, कुछ ऐसे डस्टबिन है, ये आपको ऑलरेडी यहाँ पे ब्लैंकेट वगैरह रखी हुई है, पिलो वगैरह, ये चढ़ने के लिए अगर आप उस पर चढ़ के ऐसे ऊपर जाना चाह रहे हैं तो ये ऐसे बना हुआ है। यहाँ पे छोटी मोटी सामान आप अपना वॉलेट वगैरह रख सकते हैं, ये सारी चीज़ें, और एक कर्टन वगैरह आप लगा सकते हैं जब आपको यूज़ ना करना हो, जब आपको पूरा सेपरेट करना हो केबिन तो आप कर्टन लगा दें। और यहाँ पर लॉक वगैरह ऐसा है, एक लॉक आप यहाँ लगा सकते हैं और एक लॉक आप यहाँ पर लगा सकते हैं, ये दोनों चीज़ें हैं यहाँ पे। और ये बाकी आपको पता ही है, अलार्म है अगर एमरजेंसी वगैरह, ये यहाँ पे ये वॉल्यूम कंट्रोलर लगा है जिससे आप ये कंट्रोल कर पाएंगे। और अगर जब आपको ये यूज़ नहीं करना है, आप एक ही सीट पर सोना चाहते हैं तो आप इसको ऊपर करते हैं ऐसे सिंपली, तो ये ऊपर हो जाएगा, आप देखते हैं वहाँ पर ये फ्लेक्सीबल है, वहाँ पर बोतल होल्डर लगा हुआ है, बाकी आपकी सारी चीज़ें यहाँ पर एज इट इज़ रखी हुई हैं। और ये अपने गेम में लग गए हैं, इनको ये गेम बहुत पसंद आता है, ट्रेन में फेवरेट गेम है ना, मज़ा आ रहा है ना, मज़ा आ रहा है, क्या हो रहा है, उनको भी मज़ा आ रहा है। बाकी ये विंडो का बाहर का नज़ारा आप देख सकते हैं, ऐसा कुछ है, केबिन के शीशे बहुत छोटे होते हैं, सबसे माइनस पॉइंट ये भी है। और यहाँ पे सारे कॉन्टैक्ट नंबर लिखे हैं, अगर आप कुछ भी कंप्लेन है, कोई भी इन्फॉर्मेशन लेनी है इससे रिलेटेड, पेट्रोल वगैरह कुछ भी अगर प्रॉब्लम कर रहा है तो आप इसको फ़ोन करके इनको इन्फॉर्म कर सकते हैं और अपना पेट्रोल वगैरह चेंज करवा सकते हैं। बाकी इसके शीशे छोटे हैं एज़ कम्पेयर टू कूप, ये स्विच है, अगर आपको अटेंडेंट को बुलाना है तो उसके लिए आपको ये स्विच प्रेस करनी होगी, बेल का आइकन देख पा रहे हैं आप, बेल जैसे बजेगी वो आपके पास आएगा, तो आपको बुलाने नहीं जाना है, आपको ये प्रेस करना है और आपको फर्स्ट अटेंडेंट आ जाएगा। थोड़ा एसी करवाना है, एसी बहुत कम कूलिंग कर रहा है, एसी कूलिंग बहुत कम कर रहा है, बढ़ा करवाना है, नहीं थोड़ा एसी बढ़ा दो, कूलिंग कम कर रहा है। यह है क्यूब का मिरर, देख सकते हैं आप क्यूब का कितना बेहतरीन और शानदार मिरर है, एक सामने भी मिरर दिया गया है और एक इधर भी छोटा सा मिरर दिया गया है, जो कि केबिन में नहीं होता क्योंकि इधर सीट होती है तो इधर नहीं दिया जाता है, तो ये एक
बेस्ट पार्ट है और अच्छी चीज़ है। और सबसे बढ़िया चीज़ देखो, लॉक हो गया तो आप अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर बड़ी आसानी से रह सकते हैं, लॉक करके आप बिल्कुल सिक्योर इसको कर पाएंगे। बाकी ये कूप था, ये हमने सोचा था कि हमें ये मिलेगा, बाकी ये मिला नहीं। इस कूप में क्या और केबिन में क्या फ़र्क आप देखें, ये कूप एक छोटा सा केबिन है जिसमें सिर्फ दो सीटें होती हैं, एक नीचे और एक ऊपर। आप देख सकते हैं इसको आप ऊपर भी कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से जब एडजस्ट करना चाहें। और बाकी सारा कुछ सेम होता है, बस इसमें दो सीटें होती हैं और आप इसको प्राइवेट केबिन जैसा यूज़ कर पाएंगे। इसमें भी डस्टबिन और ये टेबल मिल जाएगा, नीचे काफ़ी स्पेस मिल जाएगा, चढ़ने की इधर जगह मिल जाएगी और इसको भी आप बिल्कुल लॉक कर पाएंगे जैसे आप केबिन को लॉक कर पाते हैं। तो दो लॉक यहाँ पर, एक यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है और ये यहाँ पर कर्टन लगाया गया, इसको आप लगा सकते हैं। ये इमरजेंसी के लिए अगर आप इसको यूज़ करें जब इमरजेंसी हो, तब वॉशरूम इंडिकेशन के लिए लगा हुआ है, जो भी वॉशरूम बिजी होगा वो यहाँ पर हाईलाइट करेगा, लेफ्ट वाला लेफ्ट साइड, राइट वाला राइट साइड। चलिए आप वॉशरूम दिखा दें कैसा है बाहर का। ये बिल्कुल नॉर्मल सा वॉशरूम जैसा आप देखते हैं थर्ड एसी वगैरह में, सेकंड एसी में बिल्कुल ऐसा वॉशरूम है। यहाँ पे हैंड वॉश लगा हुआ है, एक विंडो है, ये एग्जॉस्ट चल रहा है, लाइट है और ये नल लगा हुआ है, टोटी जिसको पानी आ रहा है। एक शीशा है यहाँ पे सामने, आपके शीशा दिख जाएगा। इसमें ट्रिमर का ऑप्शन नहीं, आप देख सकते हैं, पर ट्रिमर चलाने का कोई ऑप्शन नहीं है। बाकी नॉर्मल सा बिल्कुल यहाँ फ्लैश लाइट वगैरह दी गई, कुछ इंडिकेशन वगैरह दी गई, फ्लैश वगैरह है, ये है देसी स्टाइल वाला। तो चलिए आपको दूसरा वॉशरूम दिखाते हैं, पूरा गैलरी है। हाँ, डस्टबिन दी गई है एक, और यहाँ पे फायर स्टेल दिया गया है H1 क्लास, आप देख सकते हैं ये कूड़ेदान यहाँ पे लिखा हुआ है। हाँ, ये डस्टबिन है, डस्टबिन। और ये दूसरा वाला वॉशरूम, इसमें बस थोड़ा सा हैंड वॉश का जो है स्टाइल है थोड़ा चेंज हो गया है, सेम वही चीज़ है सारा कुछ, आप देख सकते हैं। बस सीट जो है थोड़ा सा वेस्टर्न स्टाइल हो गई, बाकी सारा कुछ है। इसमें तो आपको रूम फ्रेशनर वगैरह कुछ नहीं दिख रहा, यहाँ पर ये दे दिया गया है रूम फ्रेशनर की जगह पर, तो ठीक ठाक है, क्वालिटी वगैरह ठीक है, साफ़ सुथरा है, यहाँ पर साफ़ सुथरा है। यहाँ पर मैंने सुना था एक नहाने का भी जगह होती थी, चलिए आपको वो दिखा दें दूसरे साइड वाले से, कर्टन्स वगैरह लगे हुए थे। और यहाँ पर एक वॉशरूम बिजी है, आप देख सकते हैं ये वॉशरूम इधर वाला बिजी है इसलिए यहाँ पर हाईलाइट हो रखा है, ये बिजी नहीं है इसलिए यहाँ पर हाईलाइट नहीं हो रखा है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, ये तो हालांकि थर्ड एसी और सेकेंड एसी दोनों में मिल जाता है। तो अब आप बाहर चलते हैं और दिखाते हैं आपको वो नहाने वाला इसमें है कि नहीं, ये H1 क्लास है उसमें देखते हैं आपको है कि नहीं। बाकी आप देख सकते हैं क्लीनिंग वगैरह बहुत अच्छी है, ये वो वाला केबिन जिसमें नहाया जाता है। आप देखते हैं यहाँ पर गीज़र लगा हुआ है, ये गीज़र है, ये आपका रूम फ्रेशनर के लिए, ये कुछ यहाँ पर टच दी गई हैं, ये अगर आप शावर लेना चाहें तो आप शावर वगैरह भी ले सकते हैं इधर। और ये आप अगर ये वाला यूज़ करना चाहें शावर, तो ये भी आप यूज़ कर पाएंगे। तो ऐसा कुछ है, इसको पकड़ के यूज़ करना है, ध्यान रखना है। यहाँ पर ही अगर ठंडा पानी आपको लेना है तो ये ग्रीन की तरफ करना है, इसको ऐसे गर्म लेना है तो आपको इधर करना है। बाकी नीचे मैटिंग वगैरह हुई है ठीक ठाक। तो ये है कुछ फर्स्ट क्लास एसी और H1 क्लास का वॉशरूम। यहाँ पर देखें एक स्टिकर लगा हुआ है जो कि बहुत ही बेहतरीन और अच्छा है, यहाँ पे OBHS AC इन सब के लिए QR कोड का स्कैन करें, बाकी आप चाहें तो नंबर भी शिकायत कर सकते हैं और स्कैन करते आपको व्हाट्सएप पर जाएंगे और वहाँ से आप कंप्लेन कर पाएंगे, जिसका सोल्यूशन आपको जल्द से जल्द मिल जाएगा। कपूरथला में ये डब्बा बना हुआ है कोच मेरा, और ये है टाइप है LWFSC जो बना हुआ है, ये बना हुआ है जनवरी 2023 में, देख सकते हैं आप यहाँ पर पूरी डिटेल दी गई है। तो चलिए इस ट्रेन में टिकट की बात कर लेते हैं, जो फर्स्ट एसी का टिकट है वो पड़ेगा कुछ 3695 रुपये का, सेकंड एसी का 1605 रुपये का, थर्ड एसी का 1105 रुपये का और स्लीपर का 415 रुपये का। और अगर आप जनरल कोच से ट्रेवल करना चाह रहे हैं तो आपको पड़ेगा 220 रुपये का। ये पूरी इंड टू इंड जर्नी का टिकट मैं आपको बता रहा हूँ, जो नई दिल्ली से मरवाड़ी तक जाता है। और अगर आप ये सारी टिकट तत्काल में करते हैं तो इन सब के रेट चेंज हो जाते हैं। आपको जैसा पता है अगर आप ट्रेन से ट्रेवल करते होंगे तो तत्काल में हर एक ट्रेन का जो नॉर्मल फेयर होता है उससे वो बढ़ जाता है, और तत्काल की जो टिकट अगर आप कैंसिल करते हो तो उसमें आपको पैसा भी रिफंड नहीं आता है। और ये सारी जो टिकट है इनको अगर आप कैंसिल करते हो तो आपको पैसा आ जाता है, तो आपको पता ही होगा। तो जब भी ट्रेवल करें तत्काल से अगर ट्रेवल कर रहे हैं तो ये सोच के करें उस टिकट को आप कैंसिल ना करें, आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ये कुछ जानकारी थी जो आपको बताना बहुत जरूरी था।